वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस अब। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करते हैं रोजाना की बुनियाद पे क्रिप्टो मार्केट से हमें मौसूल होती हुई ताज़ा तरीन खबरें और साथ आपको आगाही देते हैं कि नेक्स्ट 12 आवर में BTC की मुमकिन हद तक सूरत हाल क्या रह सकती है, ताकि BTC के स्केल को फॉलो करके हम कुछ ऐसे क्वाइंस में ट्रेड ले सकें जो हमें अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एक अच्छी ट्रेड दें और मार्केट में हमारे आने का जो असल मकसद है वो भी पूरा हो जाए, यानी कि हम गेन कर सकें एक स्मार्ट पैसिव इनकम। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे इंटरनेशनली इस वक्त क्रिप्टो के फैलने का और तेज़ी से इसकी डेवलपमेंट की एक बहुत ही अहम न्यूज़ शेयर करने वाला हूं, जो इस वक्त रिलेटेड है पूरे अरब ममालिक से। और ये न्यूज़ आफ्टर द पाकिस्तान एक बड़ी लार्जेस्ट कंट्री के साथ जुड़ी है, और जिस जगह पर इस वक्त यानी कि पूरे अर्थ में अगर जहाँ पर बात हो रही है क्रिप्टो के डिस्टेबलाइज करने की, वहाँ पर क्रिप्टो को तेज़ी से अपनाया भी जा रहा है और पसे पर्दा जो रियलिटीज़ हैं वो रुक नहीं पा रही और छुप भी नहीं पा रही। सो ये न्यूज़ क्रिप्टो की मार्केट पे क्या इम्पैक्ट लेकर आ सकती है, क्योंकि जिस मुल्क में इस वक्त इंकशाफ हुआ है क्रिप्टो के तेज़ी से फैलने का, वो कोई छोटा मुल्क नहीं है दोस्तों, बहुत बड़ी इस वक्त दुनिया की वो ताकत है। सो उसके ऊपर हम आगे चल करके बात करेंगे। आपने क्या करना है, वीडियो को कर देना है लाइक, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। और साथ दोस्तों, मैं आपको एक और आगाही दे दूँ कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं आए दिन नई किसी एक्सचेंज के बारे में इल्म हासिल करने में, तो आपको हमारे सपोर्टिंग चैनल अलमक्का टेक बाय उस्मान हुसैन पर आपने जा करके खुद को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जितनी भी न्यू एक्सचेंजेस आती हैं उनके रिव्यू मैं अब वहां पर आपको शेयर करता हूं, ताकि हमारे, क्योंकि आए दिन हमारे व्यूवर्स हमसे शिकायत भी करते थे कि सर आप हमें न्यू एक्सचेंजेस के बारे में नहीं बताते, तो जो भी मेरे उन एक्सचेंजेस को लेकर के मेरे रिमार्क्स होंगे, जैसा मैं उनके लिए फ़ील करता हूँ वो असली हैं, नकली हैं, नॉर्मल है, उनमें ट्रेड करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, उसकी तमाम अपडेट आपको वहां पर मिल जाएगी। सो आगाज़ करते हैं दोस्तों सरमायाकारी से। तो इसमें सिर्फ एक ना होने के बराबर अभी $3 बिलियन का इजाफा देखने को मिल रहा है, जबकि सुबह इसमें करीब $10 बिलियन का इजाफा हो चुका था, और मार्केट ने आज की सुबह हमें बहुत ही अच्छी ट्रेड दी, और तकरीबन 22,000 में मार्केट एंटर हो चुकी थी, यानी 20,000 में, ठीक है, 20,000 में मार्केट एंटर हो चुकी थी, और $20,417 का हाई लगाकर मार्केट फिर बैक स्टेप कर गई है, वहाँ पर रेजिस्ट नहीं कर सकी। रेजिस्टेंस BTC की दोस्तों जो बनती थी वो थी 20,500, लिहाजा 20,417 पे मार्केट मुसलसल जो है रेजिस्ट करती रही और बाद में क्रैश होना शुरू हो गई। वीकर जोन जो दोस्तों मैंने आपको बता रखी है वो है 19,850 से नीचे जाना इसकी वीकर जोन स्टार्ट होगी, और लास्ट जो क्रैशिंग पॉइंट मैंने आपसे शेयर किया है वो है 19,199। खैर, अभी BTC की सूरत हाल तो काफ़ी बेहतर है और अभी ट्रेड के लिए पूरा दिन पड़ा है, और शाम को इसकी क्या सूरत हाल हो सकती है उस पर हम बात करेंगे। 2 टाइम इथीरियम ने दोस्तों आज हाई लगाया है तकरीबन 11:26 का, एक रात को जब हमने वीडियो एयर कर दी उसके बाद, और फिर उसके बाद सुबह के 8:30 बजे, यानी कि जो वर्किंग आवर्स थे उसके अंदर इथीरियम 2 टाइम हाई लगा कर आया। खैर, अभी भी इथीरियम जो है वो 1100 से दोबारा निकल चुका है, इसमें टोटल $30 का क्रैश है, और रात की निस्बत अगर बात करें तो ये अभी भी $6 प्लस में देखने को मिल रहा है। कैसे हम इन दोनों कॉइन्स में आज ट्रेड करेंगे, हम आगे चल करके बात करते हैं। BNB का दोस्तों मैंने आपको सिग्नल दिया था 223-225 का, हाई लगा कर आया है BNB दोस्तों $234 का। आपने 23 में एंट्री ली या 25 में एंट्री ली, $8 आपने एक कॉइन की बाइंग करने पे अर्न किए हैं। अब मजीन इसकी क्या सूरत हाल होगी, क्या एंट्री बनती है, वो हम आगे इन तीनों की हम लास्ट में आपको जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट होती है वो उसके बारे में आगाही देते हैं। सोलाना यहाँ पे दोस्तों स्ट्रक है, सिर्फ हमें 20 सेंट की ट्रेड दे सका, काफ़ी स्लो रिएक्ट कर रहा है। डॉट ने 30 सेंट का हाई लगाया फिर वापस आ गया, अभी इन कॉइन्स में कोई पोटेंशियल फिलहाल मौजूद नहीं है। दूसरी जानब MX के अंदर हम देख रहे हैं कि 35 सेंट का इजाफा हुआ है, लिहाजा ये मेरी तरफ से आपको रिकमेंडेड नहीं है। पॉलीगॉन मैटिक इस वक्त टॉप हॉटेस्ट कॉइन में आ चुका है, मैं आपको $50 की बाइंग करवा चुका हूं, और मैंने आपसे कहा था कि आपने इसे लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है। सो अगर आप चाहें तो ये जब 70 सेंट का हाई लगाता है तो उसे सेल कर दीजिएगा। क्यों,
क्योंकि यह 70 के बाद फिर क्रैश करेगा और आपको दोबारा मौका मिल जाएगा इसे 62 या 60 सेंट पे बाय करने का। तो ये एक फ्लैक्चुएशन सर्कल है। और बहुत ही अच्छी चीज़ दोस्तों, यूनी स्वैप मैंने आपको फिर रात को 550 पे बाय करने का सिग्नल दिया था मिडनाइट में, और इसीलिए मैं दोस्तों आपको अक्सर ही रिपीट करता रहता हूँ, रिपीट करता रहूँगा कि हमारी मिडनाइट की जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी। उस वक्त हमें सस्ते में चीज़ मिल जाती है बाय करने की, और यही हमें कैंडल चार्ट और दुनियावी जो ट्रेड है वो हमें सिखाती ही यही है कि हम चीज़ तब खरीदें जब मार्केट गिरती है। ठीक है, मुंह उठा के जब आप उठे तो मार्केट उठेगी, ऐसा नहीं होता। आप सोते हैं तो मार्केट उठ जाती है, या आप जागते हैं तो मार्केट सो जाती है। ऐसी चीज़ें उल्ट चलती रहती हैं, लेकिन एक महीने के 30 दिनों में 25 दिन अल्हम्दुलिल्लाह हम मिडनाइट में ऐसी परचेजिंग कर सकते हैं कि हम कुछ ना कुछ कमा सकते हैं। जिस तरह ज़्यादातर लोगों का ख्वाब है कि जी वो $10-15 की डेली अर्निंग करें, तो $10-15 यकीन माने कुछ भी नहीं बाय करना। यूनिस्वैप के मेरे सिग्नल थे दोस्तों आपको 550 पे, यूनिस्वैप ने 550 का लो लगाया और इस वक्त हाई वो लगा चुका है 6.32 का, और आपको 80 सेंट की बहुत बड़ी ट्रेड दी है यूनिस्वैप ने। ठीक है, और अभी भी ये फिर से 10 सेंट कम हो रहा है, मजीद अगर होगा तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी फ़िलहाल इसके सिग्नल मैं इस वीडियो में आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा, हम वेट करेंगे इसका, क्योंकि ये अभी मैक्सिमम पंप कर चुका है। अब जो हालत होगी इसके अंदर अचानक से ट्रेड लेना। दूसरी जानब लिंक की दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चेंज हुई है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपने अब 12 ट्रेड आर की ट्रेड लेने वालों के लिए ये मेरा मशवरा है, उनका नहीं जिनको सेपरेटली सिग्नल प्रोवाइड किए जाते हैं। चेन लिंक अब आपने दोस्तों 580 पे बाय करना है, वेट कीजिएगा और फिर 610 या 620 पे निकल आइएगा, इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल चेंज हुआ है। दूसरी जानब हमने कल बाइंग कर रखी थी ऑटम की 7.82 की, अब आप अंदाज़ा लगाएं आपको प्रॉफिट कितना हुआ, 18 सेंट एक तरफ से और 36 सेंट एक तरफ से, तकरीबन हमने 54 सेंट की अर्निंग की है ऑटम में। सो ऑटम हमें अपग्रेड दे चुका है, मजीद आपने दोबारा एंट्री लेनी हुई ऑटम में तो 8.10 पे लीजिएगा और फिर 8.40 पे निकल आइएगा। नियर यहाँ पर स्ट्रक है, लॉन्ग टर्म के लिए परफेक्ट रहेगा। XMR भी स्ट्रक है और BCH हमने दोबारा बाय करना है $98 पे, देन अदरवाइज मजीद आपने भी मूवमेंट नहीं करनी। APE 4.40 वेट कीजिएगा 420 का, उससे पहले कत्तन बाय नहीं करना आपने। और फिल क्वाइन अब की मार्केट में आपने 4.98 पे बाय करना है, ये आपको 20 सेंट की ट्रेड देगा इंशाल्लाह। दूसरी जानब थीटा के प्राइस में मुसलसल कमी हो रही है, अभी वेट करें इसे गिर लेने दें। और एक्सी इन्फिनिटी की काफ़ी दोस्तों की तरफ से डिमांड आ रही थी कि सर आप इसका भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बताएं, दोस्तों ये अभी काम नहीं कर रहा मार्केट में, तो जब कर ही नहीं रहा तो मैं आपको क्यों इसके सिग्नल या इसकी बाइंग लिमिट बताऊं। इसे अभी ये सोया है तो इसे सोया रहने दें, मैं आपको जहां पर इतने क्वाइन बताता हूं उसमें से जिस क्वाइन की आपने नेक पकड़नी है उसे पकड़ लीजिएगा और आप अर्न कर सकते हैं, जैसे आप हमने AAV को पकड़ के रखा हुआ है, AAVE को। सो अब इसकी बात करते हैं 76.14, मैंने आपको 74 की बाइंग का कहा, ये 74 पे पूरी तरह तो नहीं आया, 74.50 पे था, जो मैं कह भी चुका हूँ कि कभी 50-60 सेंट का फ़र्क हो मेरे बताए हुए रास्ते में तो आप एंट्री ले लिया करें, तो उसके मुताबिक ये आपको 2.50 सेंट की ट्रेड दे गया है। अब बात करते हैं दोस्तों HNT की, तो HNT के प्राइस दोस्तों कोई ख़ास मूव नहीं कर सके, फिर भी सोच दोस्तों माजरा चाहता हूँ, फिर भी इसमें हमें जो के इजाफा देखने को मिल रहा है वो है 13 से 14 सेंट का। अब बढ़ते हैं QNT की तरफ, और QNT दोस्तों 85.54 पे रात को था और अभी भी 8.99 पे है, लिहाजा ये हमारी बाइंग जोन में नहीं आ सका। बाइंग जोन मैंने आपको इसकी बताई थी $82, तो ये फ़िलहाल मार्केट में इतना खासा कोई क्रैश नहीं हुआ। दूसरी जानब KCS अभी दोस्तों स्ट्रक है, आपने पहले की एंट्री ले रखी है $9 की, ठीक है, और अभी आपकी जो नेक्स्ट एंट्री होगी अगर अचानक मार्केट गिर जाती है तो आप इसे 840 पे पकड़िएगा, अदरवाइज किसी सूरत से बाय नहीं करना। फर्दर दोस्तों हम यहाँ से अगर फास्ट ट्रैक ले लें तो सभी क्वाइन स्ट्रक हैं, XEC, रोने क्वाइन, नियो में बल्कि 3 सेंट की और मज़ीद कमी हुई है, GMT, वेव्स, पूरी मार्केट यहाँ पर 50 के बाद जिल जैसा क्वाइन भी स्ट्रक है, और डैश भी। डैश को दोस्तों आपने $40 पे पिक कर लेना है, और पैनकेक स्वैप की अगर हम बात करें तो पैनकेक स्वैप आपके लिए सूटेबल होगा 290 पे। फर्दर आगे दोस्तों यहाँ से बढ़ते हैं KSM, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूँ, यही हमारी 12 और की ट्रेड का एक दोस्तों चाम है कि
अब KSM कभी हम इतनी इसमें ट्रेड कर रहे थे, इतनी ट्रेड कर रहे थे, और आज KSM हमें कुछ नहीं दे रहा। इसलिए मैंने आपको बकायदा एक सिग्नल दे रखा हुआ है कि बाय नहीं करना, नुकसान नहीं होगा। अवल पे एक चीज़ अच्छी है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। सो कावा को अब हम दोस्तों एंटर करेंगे नई मार्केट में। कावा हमें फिर से 30-35 सेंट की ट्रेड देने लग गया है। दूसरी जानब USTC की हमारी फर्स्ट बाइंग हो चुकी है, बाकी दो को भी हम रोक के रखेंगे। सीक दोबारा मार्केट में एंटर हुआ है दोस्तों। ये कॉइन आप देख रहे हैं 94 रैंक का, जो मेटावर्स का प्रोजेक्ट है। तो इसमें जो मजीद मालूमात मैंने आपको प्रोवाइड करनी होगी वो हम बाद में एंटर करेंगे इस मार्केट में। सो क्यूटम हमारी बाइंग जोन में है, इसे भी अभी आप बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं जल्दी से हम इस वक्त आज की फ्रेश न्यूज़ की तरफ। सो दोस्तों जो न्यूज़ मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, यकीनन ये आपको एक मरतबा हिला के रख देगी कि आफ्टर द पाकिस्तान इस वक्त सऊदी अरब में क्रिप्टो करेंसी का रुझान बहुत तेज़ी से फैल रहा है। सर्वे रिवील्स हाई पेनिट्रेशन एंड अडॉप्शन ऑफ क्रिप्टो इन सऊदी अरेबिया। 20 घंटे पहले की ये न्यूज़ है दोस्तों, और अब इसमें कितना वॉल्यूम पाया गया है, कितनी स्ट्रेंथ वहाँ पर देखी गई है, उसकी हम बात करते हैं ताकि आपको पता चले कि दुनिया पूरी इसे ना ना करते हुए कितनी तेज़ी से अपना रही है, और कैसे ना हम इन खबरों को पढ़ें और आप तक क्यों ना पहुंचाएं कि आपको मालूम ही नहीं है कि अचानक हमें एक सुबह बिटकॉइन के प्राइस क्या देखने को मिल सकते हैं। और आपको मेरी ये पुरानी वीडियोस किस शिद्दत से याद आएंगी आप सोच भी नहीं सकते। द हाई डिग्री ऑफ पेनिट्रेशन एंड अडॉप्शन ऑफ क्रिप्टो इन सऊदी अरेबिया मेक्स इट्स एन इम्पोर्टेंट मार्केट फॉर डिजिटल करेंसीज डेमोन्स्ट्रेशन द पोटेंशियल फॉर एक्सपेंशन इन द मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ मैनर रीजन। अच्छा, अब ये मिडल ईस्ट में UAE भी आता है। UAE तो खैर बहुत आगे निकल चुका है, उसने बकायदा वहाँ पर बाइनांस को इतना हाई लेवल का दर्जा दे दिया है कि आप सोच नहीं सकते, ठीक है। और मेरे ख्याल से बहुत ही जल्द आपको स्टेप बाय स्टेप वहाँ पर दुकानें खुलती हुई दिखाई देंगी जहाँ पर जा कर के आप USDT बाय कर सकेंगे। और वैसे भी पूरी दुनिया में UAE वाहिद कंट्री है जो जल्दी से किसी चीज़ को अपनाता है, क्योंकि उसके सिस्टम के बैक एंड पे जाहिरी बात है कोई और बैठा हुआ है। अकॉर्डिंग टू द सर्वे कंडक्ट बाय क्रिप्टो एक्सचेंज KuCoin, अराउंड 3 मिलियन सऊदी अरेबियंस, दोस्तों 3 मिलियन, ठीक है, अराउंड 3 मिलियन सऊदी अरेबियंस 14% ऑफ द अडल्ट पॉपुलेशन एज 18 to 60 have become crypto investor who has a May 2022 either currently on cryptocurrency or have traded in the past 6 months. यानी कि 3 मिलियन सऊदी अरेबियंस जो हैं वो जिनकी एज 18 से 60 साल के दरमियान है वो ट्रेड कर रहे हैं पिछले 6 माह से। Another 17% of respondent are labeled crypto curious and are likely to invest cryptocurrency in the next 6 months. As per the study finding, there is a long-term interest among potential crypto investors Arabian nations. In the first quarter of 2022, 49% of crypto investor intended to the increase investment in the cryptocurrency in the next 6 months. So, दोस्तों उन्हें भी ऐसा लग रहा है कि next 6 महीने के अंदर अंदर जो सऊदी अरब की बात कर रहा हूँ, जो अरब है उसकी, हाली पूरे अरब की बात नहीं कर रहा, वहाँ पर डे बाय डे इन्वेस्टर भर रहे हैं। ये एक नया इंकशाफ हुआ है, और इसकी वो चांसेस कहाँ तक बढ़ने के बता रहे हैं, अब ये पॉइंट नोट कीजिएगा। इन सऊदी अरेबिया द हाई नंबर ऑफ न्यू मार्केट एंट्रेंट्स इन द अनपरसेंटेजिड विद द 76% ऑफ क्रिप्टो इन्वेस्टर हैविंग लेस देन 1 ईयर एक्सपर्टीज इन द सेक्टर, इंक्लूडिंग 49% हु फर्स्ट बिगन ट्रेडिंग क्रिप्टो करेंसी इन द प्रीवियस 6 मंथ। 50% लोग, दोस्तों आप नंबर ऑफ एंट्रीज देखें, 50% लोग कब एंटर हुए हैं, पिछले 6 मंथ के अंदर। पर द रिपोर्ट ऑफ टर्म्स डेमोग्राफिक 63% ऑफ द क्रिप्टो इन्वेस्टर आर मैन, 63% आदमी है। द जेंडर रेशियो हैज रिमेन कंसिस्टेंट थ्रू आउट द ईयर, यंग क्रिप्टो इन्वेस्टर अंडर द एज ऑफ 30 अकाउंट टू द लीस्ट 3rd ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन एंड द राइजन ऑफ 37% इन Q2 2022। यानी कि किसी की पॉपुलेशन का 37% हिस्सा क्रिप्टो में घुस रहा है। हाफ ऑफ द क्रिप्टो इन्वेस्टर परचेज डिजिटल करेंसी यूजिंग द फियाट एंड एंगेजिंग सपोर्ट ट्रेडिंग। यानी कि ओवरऑल ये है दोस्तों कि जो उनकी ऑयलिंग कंपनी अरामको है वो भी इसमें इन्वॉल्व हो रही है। एज द रिपोर्टेड बाय द कॉइन टेलीग्राफ द सऊदी अरेबियन ऑयल कंपनी सऊदी अरामको फ्यूल एक्साइटमेंट अमंग क्रिप्टो करेंसी फॉलोअर लास्ट ईयर आफ्टर इन्वेस्टिंग 5 मिलियन इन ब्लॉकचेन बेस्ड ऑयल ट्रेडिंग फर्म वैकेट। यानी कि वो कंपनियों के साथ अब वो ऑयलिंग का कारोबार कर रहे हैं, अपने काम को बढ़ा रहे हैं जो ब्लॉकचेन बेस के ऊपर काम कर रहे हैं। वाइल दिस इनिशिएटिव सॉर्ट द डिजिटाइज टू द ऑटोमेट पोस्ट
ट्रेड प्रोसेसिंग इट वॉज ऑल्सो रिपोर्टेड द सऊदी अरेबिया अरामको वुड बिगन बिटकॉइन बीटीसी माइनिंग ऑपरेशन, यानी कि आगे आने वाले दिनों में अरामको ये अपने प्लान शो कर रही है कि जी वो माइनिंग स्टार्ट करेगी बिटकॉइन की। तो दोस्तों अगर अरब के अंदर ये चीज़ घुस जाती है इस लेवल पे जो घुस चुकी है, तो फिर सोचें बिटकॉइन का फ्यूचर क्या होगा। अब बढ़ते हैं बीटीसी और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो व्यूअर्स, नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ बिटकॉइन, जहाँ पर हम बात करेंगे इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। कल रात तक का इसका सपोर्ट अभी भी वही है 18,999, रेजिस्टेंस जब हमने रात को मार्केट आपसे डिस्कस की 19,640 पे मार्केट खड़ी थी। उसके बाद इसके अंदर पंप आया दोस्तों $800 का पाकिस्तान के एग्जैक्टली वर्किंग आवर, जो मैं आपको 6 बजे का टाइम बताता हूँ। 8:30 पे पंप आ चुका था मार्केट में $800 का। मैंने आपको पंप बताया था दोस्तों 750 का, और जो क्रैश आपको मैंने बताया था वो था 550 का। अब ये दोनों चीज़ें कैसे मार्केट में हुई हैं मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट ने जब अपना हाई लगाया, हमारे सारे कॉइन्स के टारगेट तो खैर पूरे हो गए जो मैंने आपको पहले से बता रखे थे, और कुछ कॉइन ऐसे भी थे जो काफ़ी देर से स्ट्रक भी थे, और उसके बाद मार्केट दोस्तों रेजिस्ट नहीं कर पाई। अब इस वक्त मार्केट कहाँ खड़ी है, वो अपनी वीकर जोन की तरफ आ रही है। स्ट्रोंगर जोन थी इसकी 18,850। अब आप लाइव देख सकते हैं कि $114 इसमें कमी है, और इसके अंदर जो नेक्स्ट कैंडल बन रही है वो क्रैशिंग कैंडल है। ये आप देख सकते हैं जो एक ही बुलिश कैंडल बनी थी वो इतना काम दिखा गई कि $800 का पंप इसके अंदर आया और हमारी ट्रेड मुकम्मल हुई। अपनी असल स्ट्रेंथ बीटीसी ने शो की है और हमें बताया है कि बीटीसी हमें कहां तक अभी ट्रेड देने वाला है। सो दोस्तों शाम की अब मार्केट की बात करते हैं। शाम की मार्केट तक बीटीसी का फिर से एक मरतबा 19,855 पे रेजिस्ट करना ज़रूरी होगा। 6 बजे तक या 5:45 और 6 बजे तक अगर मार्केट आपको 19,855 पे दिखाई नहीं देती तो ये क्रैशिंग जोन में चली जाएगी। क्रैशिंग जोन इसकी होगी 19,855 से $200 या $300 कम, और उसके बाद वीकर जोन स्टार्ट हो जाएगी 19,199 पे। अगर मार्केट 19,199 पे चली जाती है रात को, मैं आपको दोनों रास्ते बता रहा हूँ, तो ये वीकर जोन में चली जाएगी और वहाँ पर ये लो मारेगी $500 का लो मार के 500 का ही ये पंप लगा सकती है। ऐसी दोनों सूरतों में लो की शक्ल में, अब ये मैं आपको बता रहा हूँ मार्केट में एंटर होने से पहले, लो की शक्ल में या पंप की शक्ल में आपने जिन कॉइन में ट्रेड करनी है उन्हीं में हम इस वक्त प्रॉफिट ले चुके हैं, उन्हीं में ही हम दोबारा एंट्री लेंगे। और आपने होपफुली कि वो लिख रखा होगा कि वो कौन से कॉइन हैं दोस्तों, उसमें है यूनिस्वैप, फिर से सोलाना, चाहे वो कम प्राइस दे प्रॉफिट दे रहा है लेकिन हम इसे छोड़ नहीं सकते, AAVE। और अब आप इसमें ऐड कर दें QNT। HNT को दोस्तों मैंने थोड़ा सा इग्नोर कर दिया है क्योंकि ये 10 सेंट से ऊपर हमें प्रॉफिट दे नहीं पा रहा। सो इस वक्त स्ट्रोंगर जोन को फॉलो कीजिएगा। कैंडल ट्रेंड हमें बता रहा है, जो मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बता देता हूँ, कि अभी मार्केट में फिलहाल क्रैश बन रहा है। तीसरी कैंडल यहाँ पर अगर मज़ीद और बन गई तो मार्केट क्रैश यहाँ से क्रैश हो सकती है, और 500 का क्रैश एक नॉर्मल सी बात होगी, यानी कि 19,230 पे चले जाना एक नॉर्मल सी बात होगी। लेकिन अगर ऊपर वाले $30-$31 भी उड़ गए तो मार्केट मज़ीद क्रैश करेगी। अब बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो व्यूअर, अब बात कर लेते हैं इथेरियम के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। इसका सपोर्ट लेवल वही है 1019, मार्केट वहाँ पर दोबारा नहीं गई। रेजिस्टेंस इसकी चेंज हुई है, 1078 थी, 1080 है, सिर्फ $2 का इजाफा हुआ है। पंप लगा कर आई है ये 1126 का। मैंने आपसे कहा था $47 का क्रैश आएगा और $40 पंप करेगी, $40 से $6 ये ज़्यादा पंप कर गई, ठीक है। और अगर हम बात करें क्रैश की तो एग्जैक्टली 47 का क्रैश हुआ, बल्कि 46 का क्रैश हुआ। सो ये दोनों चीज़ें दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो गई हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टारगेट भी इथेरियम का क्या होगा हमारे लिए। यहाँ पर दोस्तों कुछ बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट बन रहा है, सेम बीटीसी की तरह एक ही पंप जो $40 की हमें जो इस वक्त पंप देकर गया है, उसके बाद सिमिलर एक कैंडल बन रही है जिसने मार्केट को डाउनफॉल का शिकार किया। और फॉर आवर की कैंडल आप देख लेते हैं कि हमें क्या पिछले 4 घंटे में दिखा रही है और शाम तक मार्केट कहाँ तक जा सकती है। सो दोस्तों मार्केट में $44 का क्रैश आ सकता है, ठीक है, इथेरियम की मार्केट में 44 का $44 का क्रैश आ सकता है और 40 का पंप, दोनों सूरतों में मैं बता देता हूँ। अब इस वक्त मार्केट तो खैर अपनी स्ट्रोंगर जोन पे एग्जैक्टली खड़ी है,
ठीक है, बल्कि $4 प्लस है। शाम तक ये 1084 या 80 से एंटर होती है तो ये फिर $40 का पंप लगाएगी। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से $2-3 डॉलर शाम की मार्केट में एंटर होने तक क्रैश कर गई और अगर ये 1050 तक दोबारा आ जाती है तो ये $40 मजीद क्रैश करेगी। एक लेवल जो मैं आपसे बार बार शेयर कर रहा हूँ वो है 1010। ये एक मरतबा उसे ज़रूर टच करेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। आप इसे बिल्कुल इख्तलाफ कर सकते हैं, इसमें आप बिल्कुल आज़ाद हैं। सो इथीरियम में दोस्तों अब बात करते हैं एंट्री की। जिन दोस्तों ने कल 1080 पे एंट्री ली उनको $400 के साथ $12-15 प्रॉफिट हो गई। अब आपकी एंट्री फिर से $400 की होनी चाहिए या एक काम कर लें 200 की कर लें। एक एंट्री अभी ले लें 200 की, एक क्रैशिंग जोन में ले लीजिएगा, मतलब ये 1050-1040 पे चला जाता है, एंट्री ले लीजिएगा और यहाँ से आप एग्जिट कीजिएगा 1120 पे। अब लास्ट में बात करेंगे BNB की दोस्तों, तो BNB दोबारा से आया हुआ है इस वक्त 227 पे। ये शाम की मार्केट में आपको दोबारा 225 पे देखने को मिलेगा और आपने इसमें से एग्जिट ले लेना है मैक्सिमम 230 पे। ये आपकी लक होगी कि अगर वो $3-4 मजीद आपको प्रॉफिट दे देता है। सो दोस्तों इजाज़त चाहता हूँ, तो बहुत सा ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।